रामपुर शाहबाद में कोतवाली क्षेत्र के गांव हिम्मतपुर में एक महिला संदिग्ध परिस्थिति में जल गई। इलाज को ले जाते वक्त विवाहिता की मौत हो जाने पर मृतका के भाई ने पुलिस से शिकायत करके शव अंतिम संस्कार को ले जाते हुए रुकवाकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया है। तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आग से जली महिला इशरत जहां और उसका पति शादी में जा रहे थे कि बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदने को लेकर पति नियाज मोहम्मद से झगड़ा हो गया। पति शादी में जाने को बस में जाकर बैठ गया। पत्नी इशरत जहां गुस्से में घर लौट गई। तभी गांव के अफसर नामक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि नियाज मोहम्मद के घर में आग लग गई है। ग्रामीण दौड़ पड़े। उसी आग में इशरत जहां बुरी तरह से झुलस चुकी थी। आनंद फानन में एक चिकित्सक को दिखाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए मुरादाबाद के पागबड़ा ले जाते समय घायल ने दम तोड़ दिया। इधर मृतका के भाई ने थाने में तहरीर दी है कि उसकी बहन को जलाकर मार दिया है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव हिम्मतपुर निवासी नियाज मोहम्मद की शादी अब से लगभग 19 वर्ष पूर्व इशरत जहां के साथ हुई थी। बुधवार को शाहबाद के हिम्मतपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में इशरत जहां की आग में झुलसकर उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर मृतका का भाई नवाब अली कोतवाली पहुंचा और अपने बहन के ससुराल के लोगों पर केरोसिन डालकर जलाकर मारने का आरोप लगाया। बाद में पीड़ित नवाब अली ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाली पुलिस तहरीर लेकर घटना स्थल पर हिम्मतपुर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेज दिया। मृतका ने अपने पीछे चार बच्चे छोड़े हैं, जिनमें से तीन पुत्र व एक पुत्री है। नीचे अभी पता चला है, दोपहर 1 बजे तक मेरी बहन को रात मारा, फिर सुबह मारा, ठीक है, उसके बाद में मिट्टी का तेल डाल के और आग लगा दी। अच्छा, उसके बाद में जो पागबड़े के पास में टेंशन है, कौन सा डेंटल कॉलेज जी, वहाँ लेकर जब पहुँचे जब तक वो खत्म हो गए। अच्छा, आपकी सगी बहन थी? मेरी सगी बहन है, अभी मैं उसके घर भी नहीं गया। अच्छा, तो क्या क्या आपके पुलिस पहुंच गई वहाँ पे घटने स्थल पे? पुलिस पहुंचा हुई है। अब पुलिस क्या कर रही है क्या, मुझे नहीं क्या कारण था मारते पीटते थे? क्या रामपुर का पंजाब नगर का रहने वाला हूँ। क्या रामपुर क्या कारण था मारते पीटते थे? वो कम से कम 15-16 साल हो गए शादी को, पता नहीं क्या बात थी। वो लड़का दोनों मार, पता नहीं क्या वजह थी। हमने कई कई बार उसे समझाया भी और कई बार रोकी भी मैंने की चलो छोड़ा जा, मगर ऐसा कुछ नहीं। अब नाम मेरा बाप का नहीं, मेरी माँ है, कोई भी नहीं है, मैं छोटा भाई है मेरा। अच्छा, तो आप कोई कारण पुलिस ने तहरीर दिया आपने? जी मैंने पुलिस में तहरीर दी है। अच्छा, किसके खिलाफ दिए? अभी मैंने कोई किसी का कोई नाम नहीं लिखवाया, सिर्फ एक अपने बहनोई का नाम लिखवाया जिसके घर में है। क्या नाम है बहनोई का? नियाज मोहम्मद। हिम्मतपुर का ही है? हिम्मतपुर का।